फैक्ट नंबर वन गाइस, पिछले 2 सालों से हम कोरोना से लड़कर अभी बाहर ही निकले थे कि अब दुनिया भर में तबाही मचाने के बाद एक नया वायरस हमारे देश में आ गया है। मैं बात कर रहा हूं यहां पर मंकी पॉक्स की, जो यूरोपियन देशों में काफी तबाही मचाने के बाद अब केरल में भी यूएई से आए एक आदमी में पॉजिटिव पाया गया है, जिससे मेडिकल सिस्टम चौकन्ना हो गया है और सरकार की तरफ से कई टीमें वहां पर भेज दी गई हैं। मेनली अफ्रीका में पाए जाने वाले इस वायरस से शरीर में खुजली और छाले जैसे सिम्टम्स दिखने लगते हैं, फिर बुखार और इम्यूनिटी कम हो जाने से मौत हो जाती है। अब गाइस, उम्मीद यही करते हैं कि मंकी पॉक्स इंडिया में फैलने से पहले हमारे एक्सपर्ट्स इसे कंट्रोल कर लेंगे। फैक्ट नंबर टू गाइस, अगर आप शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करके पैसा कमाना चाहते हैं तो ये जरूरी नहीं है कि आप बहुत बड़ी रकम से शुरुआत करें। आप छोटी रकम से शुरुआत करके भी प्रॉफिट कमा सकते हैं और फिर उस प्रॉफिट को रीइन्वेस्ट करके बड़ा प्रॉफिट कमा सकते हैं। बस आपको मार्केट के कुछ बेसिक नियमों का ध्यान रखना होगा, जैसे कि शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट की शुरुआत करने के लिए वक्त का इंतजार ना करें, चाहे अपनी कमाई का 10% ही इन्वेस्ट करें पर शुरुआत करें। दूसरा, कभी भी दूसरों को देखकर इन्वेस्टमेंट ना करें। तीसरा, इन्वेस्टमेंट करते वक्त अपने इमोशंस को कंट्रोल में रखें और कंपनी के स्टेटस और उसके फंडामेंटल्स को अच्छे से जानकर समझकर इन्वेस्ट करें। यही वो नियम है जिन्हें कई बड़े इन्वेस्टर्स ने अपनाकर शेयर मार्केट में अच्छी कमाई की है।